और वहीं रायपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की धूम है। आकर्षक वेशभूषा और लोक पारंपरिक विधाओं पर कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। अलग अलग जिलों से आए कलाकारों से खास बातचीत की है संवाददाता शिवम मिश्रा ने। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दूसरे दिन इस वक्त हम आ पहुंचे हैं कोरबा से आए हुए कलाकारों के ग्रुप के पास, और जो इस चीज का प्रस्तुति दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य सुआ महोत्सव, ये एक सुआ नाच है जिसको बहुत ही छत्तीसगढ़ में बहुत ही खास मौके पर गाया जाता है। इस नृत्य को बताया जाता है और बहुत एक सरल तरीका होता है, ढोलक लगाना, हारमोनियम बजाना और कुछ महिलाओं के साथ ही। और इस वक्त मैं अपने कैमरामैन साथी से अनुरोध करना चाहूंगा कि फोकस करें एक जीव पर, वो तोता, वो ओरिजिनल तोता, ये भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इस नाच पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राज्य सरकार युवाओं को एक मंच दे रही है अलग अलग जिलों से आए हुए छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए आप सरकार को जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बोलती हूँ कि सरकार बहुत अच्छी चीजें कर रही है, क्योंकि कुछ बहुत पिछड़ी हुई हमारी छत्तीसगढ़ जो है वो बहुत पिछड़ी हुई है, उसको अगर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार की, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सरकार ही जब पहल करेंगे तो फिर सब लोग जागेंगे। क्या पहले ऐसा होता था कि महिलाओं को बाहर जाने ही नहीं दिया जाता था, सरकार ने जब ये पहल की है तो महिलाएं भी आ रही है। पहले तो लड़कियां तो आ भी जाती थी, लेकिन महिलाएं पहली बार ऐसा हो रहा है कि देखने को मिल रहा है कि वो भी बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कलाकारों के एक महाकुंभ में प्रदेश भर से आए हुए हजारों की संख्या में कलाकार यहाँ पर मौजूद है। आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं, दूसरे समूहों से मिलते हैं, बातचीत होती है, तो ये कैसा तजुर्बा रहा है आप लोग? सर ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे क्या है, सारे जगहों से सुवन नृत्य बहुत सारी होती है, लेकिन कुछ जगहों में यहाँ बहुत सारे जिले वाले होते हैं, तो कुछ थोड़ा अलग कर करके दिखाते, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी तजुर्बा रहती है। तो ये इनका कहना है कि कलाकारों के लिए भी एक बहुत अच्छा मंच है और तजुर्बा है कि अलग अलग जिले से आए हुए सुवन नृत्य जो अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं, तो कुछ उनसे सीखने को मिलता है, कुछ हमको मौका मिलता है कि हम उनसे सिखा सके। और खासकर ये जो नृत्य है ये महिलाओं का होता है, और महिलाओं को छत्तीसगढ़ में एक ऐसी परंपरा रही आई है कि ज्यादा निकलने को नहीं मिलता, घूंघट में रहने को पड़ता है, ऐसा इनका कहना है। तो ये एक बहुत अच्छा मंच है जो राज्य सरकार हमको दे रही है, और हम मांग करेंगे कि आगे आने वाले समय पर भी इस तरह का हमको मंच दिया जाए हमारी कला को दिखाने के लिए। कैमरामैन घनश्याम के साथ शिवम मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।